रात को सोने से पहले एक हफ्ता मेरे बताए हुए इस नुस्खे को लगा लीजिए। आपका पुराने से पुराना पिंपल और पिंपल का दाग जड़ से खत्म हो जाएगा। आप लोगों की बहुत हेवी रिक्वेस्ट आई थी, मैं भी आप लोगों के साथ 25th को लाइव सेशन में जुड़ी थी और आप लोगों की काफी रिक्वेस्ट थी कि टीनएजर्स हों या अगर हमारी स्किन पे जो पिंपल्स आ जाते हैं उनको कैसे ट्रीट करा जाए और उसका दाग भी ना रहे, तो मुझे लगा क्यों ना आपकी रिक्वेस्ट पर वीडियो बनाया जाए। और आज का मेरा ये वीडियो अगर आप सच में ध्यान से सुनेंगे और फॉलो करेंगे तो आपको इसके हैरत अंगेज फायदे मिलेंगे। बिना टाइम वेस्ट करे वीडियो स्टार्ट करती हूँ और आप इसको आज से ही फॉलो करें। विद इन अ वीक आपका पिंपल भी नहीं रहेगा और ना ही उसका दाग रहेगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करने से पहले, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और मेरे फैमिली में जुड़ना चाहते हैं तो बस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को लाइक और शेयर करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि आपका ये शेयर वीडियो ना बहुत लोगों की स्किन को पिंपल फ्री बना सकता है। उनके पैसे भी बचेंगे और उनकी टेंशन भी दूर हो जाएगी। इसके साथ साथ आपने नोटिफिकेशन बेल जो छोटी टन टन घंटी आइकन है ना, उसको जरूर प्रेस करें और जब प्रेस करें तो ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक करें, ताकि जब भी मैं आपके लिए कुछ नया लेकर आऊं तो सबसे पहले आप उसको देख सकें। देखिए, सबसे पहले पिंपल की रेमेडी जाने से पहले चार बातें आपको अपने दिमाग में बिठा लेनी है। अगर आपको कोई भी स्किन प्रॉब्लम है, आपकी स्किन बेजान होती जा रही है, डल पड़ने लगी है या फिर पिंपल आपके बहुत ज्यादा स्किन पर आ चुके हैं, तो उसके लिए सबसे पहले आपने अपनी डेली रूटीन में से कॉफी को, चाय को, ज्यादा तला भुना, मिर्च मसाले वाला खाना, ये सारी चीजें अवॉइड करनी है। अगर आप एक भी चाय पीते हैं या दो चाय पीते हैं, प्लीज आज से ही स्टॉप कर दो, क्योंकि ये बहुत बड़ा रीजन होता है हमारी स्किन प्रॉब्लम का। इनफैक्ट ये हमें एजिंग भी देता है। इसके लिए आप काढ़ा पी सकते हो, ग्रीन टी पी सकते हो, बहुत सारी ऑप्शंस हैं, लेकिन ये सब चीजें आपको अवॉइड करनी है। दूसरा है, हमें पानी की रेशो अपने डेली रूटीन में बढ़ानी है। हमें ज्यादा से ज्यादा पानी पीना है जो हमारी बॉडी को अंदर से साफ करेगा, क्लीन करेगा। आपको कम से कम 3 से 4 लीटर पानी पीना है। तीसरी चीज जो आपने नोटिस करनी है, बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, आपने डेली रूटीन में ना विटामिन सी और कुछ कड़वी चीज जरूर खानी है। कड़वा यानी सबसे बेटर चीज आपको सजेस्ट कर रही हूँ, करेला। करेले की सब्जी बनाएं, उसको कम से कम 2 दिन या हफ्ते में 4 दिन तो जरूर खाएं। करेले का जूस पिएं, अगर वो पॉसिबल है तो सब्जी इजीली खाई जा सकती है। जितना कड़वा खाएंगे उतना आपका अंदर से ब्लड जो है प्योरीफाई रहेगा और आपको ये सारी प्रॉब्लम्स नहीं होंगी। चौथी चीज, अपने फेस को बार बार टच ना करें, क्योंकि हमारे हाथ में बहुत तरह के जर्म्स और बैक्टीरिया होते हैं। अगर आप ऑफिस गए हैं तो ऑफिस वाली डेस्क जो होती है या स्कूल गोइंग है या घर पर भी है, बहुत जगह पे मिट्टी आती है, बहुत लोगों के पसीने वाले हाथ लगते हैं, जिसका इन्फेक्शन डायरेक्टली हमारे फेस पे जाता है और हमारी स्किन पे पिंपल्स आने लगते हैं। हमारे घर में हर किसी की स्किन जो होती है ना डिफरेंट टाइप की होती है। बहुत सारे लोग आपके घर पे होंगे जिनकी स्किन डेली के काम भी करते होंगे तभी उनकी स्किन पे पिंपल नहीं आते होंगे, लेकिन कई लोगों की स्किन बहुत ओवर सेंसिटिव होती है, लाइक मेरी भी खुद की बहुत ओवर सेंसिटिव स्किन है, तो मुझे पता है, तो मैंने अपने एक्सपीरियंस से आपको ये चीजें शेयर करी हैं। जब भी बाहर जा रहे हैं तो दुपट्टे से अपने फेस को कवर जरूर करें, क्योंकि जो धूप होती है, धूल मिट्टी होती है, हमारे फेस पे एजिंग लेकर आती है, डलनेस लेकर आती है और पिंपल जरूर लेकर आती है। तो इन सब चीजों को अवॉइड करें, ध्यान रखें। अब बात कर लेते हैं रेमेडी की, क्योंकि अगर आपको डायरेक्टली मैं रेमेडी बताती, ये सारे स्टेप्स ना बताती तो आपकी रेमेडी असर ही ना करती आप पे, ठीक है। अब देखिए, ये तो हमारे हो गए कि हमें फ्यूचर में पिंपल्स नहीं होंगे। अब इनको ट्रीट करने के लिए सबसे पहले आपको लेना है 3 से 4 पत्तियां नीम की, इनको अच्छे से कूट लेना है माम दस्ते में और इसमें ऐड करना है 2 चम्मच रोज वाटर। रोज वाटर ऐड करके आप कम से कम इसको आधे 1 घंटे के लिए छोड़ दीजिए। अब आपने क्या करना है, छन्नी की मदद से छान लेना है और इसको एक स्प्रे बॉटल में या किसी कांच की कटोरी में स्टोर करके रख लेना है। आप इसको 1 हफ्ते के लिए स्टोर करके रख सकते हैं। रोजाना जब भी आपने सुबह अगर अपना फेस वॉश किया है उसके बाद आपने कॉटन डिप करनी है और अपने पिंपल वाले एरिया पे या जहां भी इसके दाग धब्बे हैं वहां पे इसको अच्छे से लगा लेना है। अगर आप चाहें तो उसको पूरे फेस पे लगा सकते हैं, क्योंकि इससे आपकी स्किन बहुत ही ज्यादा क्लियर और स्पॉटलेस बनेगी। पिगमेंटेशन भी रिमूव करेगा, क्योंकि इसमें एंटी बैक्टीरियल गुण होते हैं, एंटी फंगल प्रॉपर्टी होती है जो आपको स्किन एलर्जी और स्किन डिजीज से बचा के रखती है। ये आपको रात को सोने से पहले भी अप्लाई करनी है और 10 से 15 मिनट बाद फेस जो है नॉर्मल पानी से धो लेना है। लेकिन हाँ, एक चीज मैं आपको भूल गई बताना, इससे पहले एक स्टेप जरूर फॉलो करना है। आपको अपने फेस को ना गर्म पानी में एक टॉवल डिप करके स्टीम देना है ताकि आपके पोर्स ओपन हो जाएं। उसके बाद आपको ये रेमेडी अप्लाई करना है ताकि वो अच्छे से आपकी स्किन में जा सके और रिजल्ट दे सके। अब बात कर लेते हैं अपनी सेकेंड रेमेडी की, जिसके लिए आपको व्हाइट कोलगेट लेना है। व्हाइट कोलगेट, और कोई फ्लेवर वाला नहीं चलेगा, कलर वाला नहीं चलेगा, व्हाइट वाला कोलगेट लेना है आपको 1/4 स्पून, ठीक है। और इसके साथ आपने ऐड करनी है 2 कपूर की टिक्कियां, छोटी वाली कपूर जो हम पूजा में यूज करते हैं वही आपने ले लेनी है। तो आपको इसको मामदस्ते में कूट कर पाउडर बना लेना है।
कॉलगेट के पेस्ट में आपने ये कपूर की टिक्की वाला पाउडर मिक्स करना है और जहाँ भी आपका पिंपल या पिंपल का दाग है वहाँ पे आपको उसको लगाना है और 10 से 15 मिनट बाद आपको वॉश कर देना है। देखिए, कॉलगेट में ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जो इंस्टेंटली हमारे पिंपल को स्क्वीज कर देते हैं और जो कपूर होता है ना वो आपकी स्किन को नीट एंड क्लीन बनाता है, जो दाग धब्बे पड़ गए ना उसको भी लाइटन करके एकदम गायब करने में बहुत ज्यादा कैपेबल है। तो 1 वीक आपने रेगुलर यूज करना है, उसके बाद अगर आपको रिक्वायरमेंट फील हो रही है तो आप ऑल्टरनेटिव डेज में इसका इस्तेमाल करें। तो आज का मेरा वीडियो आई होप आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहा होगा, तो प्लीज अपना इंपॉर्टेंट टाइम निकाल के लाइक का बटन जरूर प्रेस करें, क्योंकि आपका एक लाइक मुझे बहुत ज्यादा मोटिवेट करता है नेक्स्ट टाइम कुछ और बेहतर लाने के लिए। ऐसी हमेशा कुछ बेहतर लाती रहूंगी, आपकी जिंदगी को खुशनुमा बनाती रहूंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय, टेक केयर, स्टे हेल्दी, लव यू ऑल।